सतर्तार सिंह जी धन गुरु नानक देव जी महाराज जी राधे राधे महाराजी हमने अपने महाराज जी के दर्शन नहीं किए पर आपके वचनों से उनके दर्शन होते हैं महाराज जी आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी प्रश्न है कि वो कौन सी स्थिति होती है जब हम निराकार रूप को मतलब रूप में दर्शन करते हैं जो आपका स्वरूप है वो आकार रहित है आकार आपका स्वरूप नहीं है और स्वरूप का कोई आकार नहीं है स्वरूप जिस आकार को पकड़ लेता है वो उसी में तदात्म हो जाता है वो होता नहीं है पर तदात्म हो जाता है जैसे हम उदाहरण में बता रहे हैं आपको एक आदमी रिक्शा चलाता है उसे कहो ए रिक्शा खड़ा हो जाएगा ना क्या वो रिक्शा है क्या उसने रिक्शा पर तदात्म कर लिया तो ए रिक्शा कहने से खड़ा हो गया कुछ दिन बाद उसने फिर टैक्सी खरीद ली उससे कहो ए रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा उससे कहो ए टैक्सी वो खड़ा हो जाएगा वो टैक्सी है क्या नहीं टैक्सी में तदात्म कर लिया तदात्म का मतलब समझते हैं ना तन्मयता तो ऐसे ही हमने इस आकार पे तन्मयता कर ली तो पुरुष इस आकार में कर ली तो स्त्री तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे योनिया और भी हैं मनुष्य योनि के अलावा जहां जहां आकार में तदात्म कर लिया वो उसी तदात्मता के कारण अपने को समझता बचता वो निराकार है आत्मा का कोई आकार है क्या कोई आकार नहीं सबके अंदर है लेकिन कोई आकार नहीं है जो काला है कि गोरा है कि स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है ये सब शरीर के हैं ये सब लक्षण जड़ शरीर के हैं वो अच्छा है कि बुरा ये स्वभाव के हैं ये अंतकरण के वो इन सबका साक्षी है वो जो सबका साक्षी वही परमात्मा है वही तुम में भी है सब में है अब हम लोग फंस गए आकार में आकार में फंस गए ना ईमानदारी से देखो आकार में फंसे कि नहीं तो आकार से ही हम निराकार तक पहुंच सकते हैं हमारे जो गुरु हैं वो आकार रूप धारण करके आए कि नहीं आए निराकार तो नहीं शब्द निराकार नहीं है शब्द भी आकार है जैसे हम बोला राम तो आया ना आपके दिमाग में आकार राम शब्द आकार शब्द देने वाले गुरुदेव आकार उनकी आराधना करके जब हम आकार की आराधना की तो हमारा जो आसक्ति इस आकार में था उसे कम होने लगेगी क्योंकि हम आसक्ति गुरु में करने लगे ना और जे ही गुरु में आसक्ति की पूर्ण रूप से तो गुरु की कृपा से जो निरंकार है जो निराकार है अपना स्वरूप गुरु का स्वरूप वही परमात्मा है परमेश्वर है वही परमेश्वर है ये अनुभव होता है अपने आप से अपने आप का यह बुद्धि से अनुभव नहीं होता क्योंकि बुद्धि तो उसके द्वारा प्रकाशित है समझ रहे बुद्धि को जो बुद्धि तत्व में ज्ञान आया है वो तो उसके द्वारा आया है वो उसको कैसे जान सकते बुद्धि स्वरूप को नहीं जान सकते स्वरूप बुद्धि को प्रकाश दे रहा है अपने द्वारा अपना अनुभव होता है अब अपने द्वारा ये बात कहें तो तुरंत शरीर पे आएगी दृष्टि नहीं हाँ यही दृष्टि हटती है गुरु उपासना से गुरुवाणी की कृपा से गुरु उपासना से यही दृष्टि हटती है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कोई आज तक ऐसा एक भी नहीं है जिसने अपने गुरु की परमेश्वर की आराधना न की हो और उसे बोध हो गया हो तत्व बोध हो गया हो तो अपने आकार रूप गुरुदेव की शरण होकर आकार रूप नाम वाणी जैसे हम कह रहे हैं ओम तो आकार आया कि नहीं है कि ओम का क्या आकार है आया कि नहीं है ओम तो आ गया ना आकार इसी से हम निराकार में पहुंच जाएंगे आकार सीढ़ी से निराकार में अनुभव में आ जाएगा वो ऐसे अनुभव में नहीं आता वही आकार धारण किए वही निराकार है जो निराकार है वही आकार है जो आकार है वही निराकार है अंतर इतना नहीं जैसे पानी और बर्फ में क्या अंतर है पानी ने आकार धारण किया तो बर्फ तो बर्फ में है क्या पानी ही तो है ना और जब बर्फ का आकार पिघला तो पानी तो पानी और बर्फ में जैसे भेद नहीं ऐसे आकार और निराकार में भेद नहीं वही परम तत्व विराजमान है हम जहाँ धारणा करते हैं वैसे ही धारणा से हमें अनुभव में आता है जैसे हम प्रगट में श्री विग्रह विराजमान करके मूर्ति विराजमान करके आराधना करते हैं तो इसी से हमारे अंदर जो भगवान विराजमान है वो प्रकट होने लगते हैं और बाहर के जब ध्यान आया तो बाहर की आरती और जब अंदर हुए तो अंदर की आरती शुरू वही बाहर है वही अंदर है ये नाशवान मायाकृत है ये इसे हम सत्य मान करके अपना स्वरूप मान रहे कि मैं हूँ भाई यही भ्रम हट जाए तो, तो तत्वबोध हो जाए इसीलिए गुरु आराधना इसीलिए नामजप जप इसीलिए भजन है धीरे धीरे अज्ञान मलिनता हटे और ज्ञान प्रकाश आवे तो हम देख पाए कि हम शरीर नहीं है हम मन नहीं है हम बुद्धि नहीं है हम स्वभाव नहीं हैं हम परमात्मा स्वरूप हैं परमेश्वर स्वरूप हैं समझ तो जी